नमस्कार, आप देख रहे हैं धनगर शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। आज जिला पीलीभीत के थाना गजरौला क्षेत्रों में आजाद समाज पार्टी द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से आजाद समाज पार्टी द्वारा साइकिल रैली शुरू की गई है, जिसमें साइकिल रैली की कड़ी में 13 जुलाई 2021 को 128 बरखेड़ा विधानसभा के थाना गजरौला क्षेत्र सिसैया गांव से साइकिल जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया, जिसमें अभयपुर, शाहगढ़, कर्णापुर सहित अनेकों गांव में साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली के अंतर्गत क्षेत्रवासियों को आजाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया तथा आने वाले 2022 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी को वोट देने की अपील भी की गई। शाहगढ़ गांव में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने ग्रामीण वासियों को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद की नीतियों के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही देश में दलितों बहुजन पर हो रहे अत्याचार के बारे में भी चर्चा की तथा उन्होंने विश्वास दिलाया कि यदि 2022 में आजाद समाज पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो बहुजन के ऊपर होने वाले अत्याचारों पर रोक लगाई जाएगी। वह बढ़ती महंगाई जैसे सरसों तेल, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर आदि को देखते हुए तथा उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दिलाने का पूर्ण कार्य किया जाएगा। रैली का समापन करते हुए आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया तथा 16 तारीख को होने वाली साइकिल रैली का जो जनपद के मुख्यालय पर निकाली जाएगी उसके बारे में विस्तार से बताया। सर, आज जो यहाँ पे साइकिल रैली निकाला गया, किस अवसर पर निकाला गया, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में सभी विधानसभाओं में साइकिल जनसंपर्क रैली का आयोजन किया गया है। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया कि हम गांव-गांव में, घर घर में, हर दरवाजे पर जाएंगे और वहां जाके आजाद समाज पार्टी की नीतियों के बारे में, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी के नीतियों के बारे में लोगों को बताएंगे और वर्तमान में जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में इसके कार्यकाल के बारे में बताएंगे। इसके सत्ता में रहते दलितों पर, बहुजनों पर, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो अत्याचार हो रहा है, लगातार इनकी हत्या की जा रही है, इनकी महिलाओं के साथ में दुराचार किया जा रहा है, इसके विरोध करने के लिए और अपनी नीतियों को जन जन तक, हर घर के दरवाजे तक, हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए इस जनसंपर्क साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसके तहत आज बरखेड़ा विधानसभा के गाँव सिसैया से ये जनसंपर्क साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो आसपास के गाँव में जनसंपर्क कर हम लोग अपनी नीतियों के बारे में बताएंगे। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे धनगर शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।